हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और इसमें हमारा 5th चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो अभी तक हमने इतने सारे तत्वों के बारे में पढ़ लिया था, यौगिकों के बारे में पढ़ लिया था। तो जैसे जैसे तत्व मिलते गए, ठीक है, यानी तत्वों की खोज होती गई, तो अब आवश्यकता थी उनके वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण हम क्यों करते हैं? वर्गीकरण करते हैं हम ताकि किसी भी चीज को आसानी से हम पढ़ सकें, उसके विशेषताओं को, उसके गुणों को, जो भी उसके फंक्शंस हैं उनके आधार पर हम क्लासीफाई करते थे। ठीक है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में क्लासिफिकेशन को समझाया कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। कहीं पर भी, चाहे हम पादपों का वर्गीकरण कर रहे हैं, जीव अपने जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, किसी भी चीज का आप वर्गीकरण करते हो, ठीक है, उसी प्रकार तत्वों के वर्गीकरण की भी यहाँ पर आवश्यकता थी कि कुछ तत्वों जिनके गुण एक एक समान होंगे उनको एक साथ रखेंगे, और जो भिन्न होंगे तो उनको अलग अलग स्थान पर रखेंगे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, और तत्वों का वर्गीकरण अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से दिया था। ठीक है, अभी जो हम वर्गीकरण देख रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी है उसको हम पढ़ते हैं, वहां पर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लासिफाई करके रखा गया है। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल को पढ़ने से पहले हम पहले तत्वों के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अन्य साइंटिस्ट ने जिन जिन ने योगदान दिया है क्लासिफिकेशन में उनके योगदान को समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, चैप्टर 5th स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5th है आपका पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके, तो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर किस किस तरह से क्लासिफाई किया गया है अलग अलग क्लासेस में, उन क्लासेस को क्या क्या कहा गया है, कहाँ कहाँ उनको वर्गीकरण दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कि हम परिचय समझते हैं क्लासिफिकेशन का। व्हाई क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्यों क्यों आवश्यकता है इस वर्गीकरण की। ठीक है, हमने कहा हमारे पास खाद्य सामग्रियां हैं बहुत सारी। ठीक है, खाद्य सामग्री में आपके पास सपोज है कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, कोई सी भी जो भी आप पीते हैं। ठीक, इसके अलावा फ्रूट जूस है, आपके पास एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स हैं, और कॉफी है आपके पास, टी है, बटर मिल्क है, इसके अलावा आपके पास पोटैटो है, ब्रिंजल है, और अनियन है। तो इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इनको आपको अलग अलग बताना है। तो अलग अलग हम कैसे बताएंगे? हमें इसमें ब्रॉड वे में तीन कैटेगरीज दिख रही है। एक हमें दिख रही है जो कि क्या है, ड्रिंक्स है, यानी कि पेय पदार्थ है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हमें दिख रही है फ्रूट्स की, यानी कि फल है कुछ, और तीसरी कैटेगरी हमें दिख रही है वेजेस की, यानी कि वेजिटेबल्स है कुछ। ठीक है, तो ये इनके गुण एक समान थे, यानी जब हम ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं तो ड्रिंक्स में आपके जो जो भी पेय है वो सारे द्रव अवस्था में, लिक्विड के, लिक्वर के रूप में। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा क्या है, ड्रिंक्स है, उसमें कौन कौन है, कोल्ड ड्रिंक भी है, फ्रूट जूस है उसमें, ठीक है, कॉफी है, बटर मिल्क है, और टी है आपका। तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे ड्रिंक है। तो हमने इन सबको एक कैटेगरी में रख दिया। दूसरी कैटेगरी थी हमारी फ्रूट्स की। ठीक है, फ्रूट्स में हमने किसको रखा, एप्पल को रखा, बनाना को रखा, ग्रेप्स को रखा।
ये तीनों हमारे किस में आ गए, फ्रूट्स में आ गए। अब जो बचे हुए आपकी सामग्री थी उसमें हमने कहा कि ये क्या है, ये वेजेस के रूप में आएंगी यानी सब्जियों के रूप में, ठीक है। तो ब्रिंजल, अनियन, पोटैटो, ये सब आपके क्या हो गए, ये सारी सब्जियां हुई। तो हमने क्या किया, हमने सबको अलग अलग पढ़ने से, कि हम पहले एक बार कोल्ड ड्रिंक को पढ़े, फिर फ्रूट जूस को पढ़े, फिर एप्पल को पढ़े, सबको अलग अलग पढ़ने से ब्रॉड वे में हमने तीनों को, हमने सभी को तीन क्लासेस में वर्गीकृत कर दिया। हमने क्या कहा, एक क्लास है ड्रिंक्स की, ठीक है, दूसरी है फ्रूट्स की, और तीसरी है आपकी वेजिटेबल्स, ठीक है। अभी हमें तीनों के अपने अपने गुण पता है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इनको वर्गीकृत कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास जब बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज हो गई, तत्वों की खोज हो गई, तो अब उनके वर्गीकरण की आवश्यकता थी। और वर्गीकरण से पहले हमें क्या पता होने चाहिए, उनके गुण पता होने चाहिए, और जब हमें गुण पता होंगे तो हम उसी के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जब उस समय की बात हो रही है कि जब उस समय क्या हो गए थे, आपके जितने भी तत्व हैं जब खोजे गए, तो धीरे धीरे तत्वों की खोज तो होती रही, 1817 से पहले की बात है, ठीक है। तो तभी जितने भी तत्व खोजे गए थे उनको अलग अलग पढ़ने से बेहतर था कि उनको वर्गीकृत कर लिया जाए, उनकी कोई क्लास बना ली जाए, जैसे स्कूल में एज के अकॉर्डिंग और उनके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग बच्चों की क्लासेस बनती है, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, जनरली एक क्लास में क्या होता है, एक ही एज के बच्चे होते हैं, उनका मेंटल जो लेवल होता है वो भी एक होता है, सोचने की जो उनकी क्षमता होती है वो भी लगभग समान होती है, ठीक है, औसत जो हम बात करते हैं, ओके। तो इसी तरह से क्लासेस की आवश्यकता पड़ी एलिमेंट्स के लिए भी। तो वाई क्लासिफिकेशन, विदाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू इंडिविजुअली स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। हम जैसे यहाँ पर कह रहे थे कि जितनी भी ये सामग्री है इनको पर्टिकुलरली एक एक इंडिविजुअली एक एक की अगर हम गुणों की बात करें, एक एक के बारे में हम पढ़ना चाहें, तो ये बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है, और समय बहुत ज्यादा लगेगा इसमें। तो इससे अच्छा क्या है, हेंस टू सिंप्लीफाई एंड सिस्टमेटाइज द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है। तो किसी भी तत्वों के बारे में पढ़ने के लिए हमने क्या किया, उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उनके गुणों के अनुसार उनको एक व्यवस्थित तरीके से समूहों और आवर्त में वर्गीकृत किया, ठीक है, समूहों में, और जिसको अवधियों में लिखा है उसका मतलब है आवर्त, ठीक है। अब समूह और आवर्त को समझेंगे, समूह यानी कि ग्रुप, ग्रुप कहा जाता है कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं आपके, इनको ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, यानी जो ऊर्ध्वाधर रूप में अगर तत्वों को लिखा गया है वो आपका क्या है, समूह है। और जब आवर्तों की बात करेंगे तो आवर्त आपके होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज होंगी, जो यानी कि जो 36 पंक्तियों में तत्वों को लगाया गया है वो क्या हो गया, वो आपके आवर्त हो गए। इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा आवर्त यानी कि पीरियड। और जब इसकी बात होगी, ये क्या है आपका, वर्ग, समूह भी इसको कहीं कहीं पर कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा, ग्रुप। क्लियर है, तो ये हमारा बेसिक हो गया क्लासिफिकेशन के लिए, कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, तो नीड इसीलिए है कि हमें एक सिस्टमेटाइज यानी कि व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना होता है किसी भी वस्तु का, और टाइम कंज्यूमिंग ना हो स्टडी। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ तत्वों के बारे में पढ़ना है ना, साइंस में तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी, तो इसीलिए हम कम समय लगाकर बहुत ज्यादा चीजों को सीखना चाहते हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी है, ओके। चलिए इतना नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन। अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि स्टार्टिंग में जो पहले प्रयास करे गए क्लासिफिकेशन के लिए उनको समझना है, ठीक है। तो यानी स्टार्टिंग में कौन कौन से प्रयास किए गए, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना यानी कि जैसे हमारे पास पहले ये चीजें थी तो ये सारी अव्यवस्थित थी, जब हमने इनको क्लासेस में डाल दिया अलग अलग तो ये क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई। उसी प्रकार से जब हम तत्वों की बात करते हैं तो वो सारे अव्यवस्थित थे,
अलग अलग हम तत्वों को लिखते जा रहे थे, खोजते जा रहे थे, ठीक है, साइंटिस्ट जो थे, और फिर उनको क्या करने की, सिस्टमेटाइज यानी व्यवस्थित करने की आवश्यकता थी, ठीक है। द केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट साइंटिस्ट हैड नोटिस्ड सर्व्ड एज अ फाउंडेशन फॉर द अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो क्या थे, केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी कि किसकी, तत्वों की, तत्वों की बात चल रही है, ठीक है। तत्व, तत्व क्या है, जो एक समान परमाणुओं से बना हुआ है वही तत्व है, ठीक है। तो उन तत्वों की केमिकल यानी कि रासायनिक और फिजिकल यानी कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो वहां उस टाइम पे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि जितने भी आपके तत्व हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए एक नींव रखी, और वो नींव किसके आधार पर थी, वो उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर थी, ठीक है। वी कंपेयर्ड अ फ्यू रिएक्शन यूजिंग वेल नोन सब्सटेंस एंड एलिमेंट, ठीक है। हम क्या करते थे, हम अभिक्रियाओं को उनके आधार पर, गुणधर्मों के आधार पर कंपेयर करते थे, ठीक है, ये किया जा रहा था। और वी दे वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, उनको क्या किया गया, अब हमने जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा एलिमेंट जो है, तत्व जो है वो परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। अब कोई परमाणु है उसमें क्या होगा, ये सपोज एटम है, ठीक है, तो इसका एक होगा एटॉमिक नंबर और दूसरा क्या होगा, इसको वेट भी तो होगा या मास, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जिसे आप कहते हो, ठीक है। ये तो अर्ली जब सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में उनको अरेंज किया गया, ठीक है, क्लासिफाई करने के लिए। अब क्या करते हैं, जैसे बच्चों, बच्चे हैं एक क्लास में, तो बच्चों को एक साथ एक क्रम में लगाने के लिए क्या करते हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग उनको बिठाते हैं। तो रोल नंबर किसके अकॉर्डिंग होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है नाम का, ठीक है, कि जिस बच्चे का नाम पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उस बच्चे का रोल नंबर पहले आएगा, ठीक है। ऐसे ही एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, जिसका एटॉमिक वेट कम या ज्यादा उसके अकॉर्डिंग, या फिर दो तत्वों के एटॉमिक वेट को कंपेयर किया गया। तो यानी बेसिक जो नी जिस जो फाउंडेशन की बात कर रहे हैं हम, कि नींव रखी गई, वो किसके आधार पर रखी गई, वो इस एटॉमिक वेट के आधार पर रखी गई, इसके आधार पर क्लासिफाई किया गया एलिमेंट्स को, ठीक है। दे ट्राइड टू स्टडी द पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज एज द एटॉमिक वेट इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू कैटेगराइज देम इनटू ग्रुप्स, ठीक है। तो क्या किया गया कि देखा गया कि कोई तो आवर्धिता उनके जो तत्व हैं, तत्वों के बीच में, यानी कि कुछ तो रिलेशन होगा, समझ रहे हैं, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जो तत्व हैं उनमें कुछ तो आपको क्या देखने को मिलेगी, समानता देखने को मिलेगी या कोई रिलेशन देखने को मिलेगा, और उसी के आधार पर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसमें कैटेगराइज कर दिया गया, ग्रुप में, यानी कि ग्रुप आपको मैंने बताया है समूह जिन्हें कहा गया। द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज देन पुट फोर्थ आफ्टर द लॉ ऑफ ट्राइड्स, ठीक है। तो पहले क्या आया, पहले आया लॉ ऑफ ट्राइड्स और तब आया लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, यानी त्रिक का नियम और दूसरा क्या है, अष्टक सिद्धांत, ठीक है। तो जो त्रिक सिद्धांत था वो डोबे राइनर ने दिया था, और अष्टक सिद्धांत की बात करते हैं तो वो न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है, इनको भी अभी पढ़ेंगे। दीज लॉज वर प्रपोज बाय डोबे राइनर, डोबे राइनर ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्राइड दिया था, एंड न्यूलैंड ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, चलिए इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसका है, वर्गीकरण का है। सभी पदार्थ तत्व मिश्रण व यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। सबसे पहले हम तत्व के बारे में समझ लेते हैं। तत्व क्या होता है कि जो सभी पदार्थ होते हैं, जितने भी सब्सटेंस हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो किससे मिले हुए हैं, वो तत्व मिश्रण या यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। यानी कि तत्व आपस में, तत्व तत्व आपस में जुड़ करके, ठीक है, एक तत्व दूसरे किसी तत्व से जुड़ रहा है, और ये तत्व से जुड़ करके क्या बना रहा है, या तो यौगिक बना रहा है कंपाउंड, और या फिर बच्चे क्या बना रहा है, या ये मिश्रण बना रहा है, ठीक है। तो तत्व क्या क्या जुड़ते हैं, तत्व के जुड़ते हैं परमाणु, क्योंकि तत्व किससे मिलकर के बना हुआ है, परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, तो यही कह रहे हैं। दूसरा, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, ये भी हमने पढ़ लिया है कि एक ही जैसे एटम होंगे, अगर हाइड्रोजन तत्व की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एक तत्व है, तो
तो उसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे, तो एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है वो। ठीक है, अभी तक 118 तत्व ज्ञात है, इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। 94 प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं मतलब बाकी के जो तत्व है उनको सिंथेसाइज किया गया है लेबोरेटरी में। ठीक है, यानी कि उनको प्रयोगशालाओं में बनाया गया है। देन वर्गीकरण की आवश्यकता। ओके, क्लासिफिकेशन आवश्यकता क्यों है? जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए। अब अलग अलग तत्वों को एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा और उतनी ही किसकी मेहनत की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मेहनत को कम करने के लिए और अच्छे ढंग से किसी चीज को समझने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ओके, देन वर्गीकरण को समझने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो संज्ञान में आया वो क्लासिफिकेशन का पहला सिद्धांत था, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? जर्मन केमिस्ट थे, जर्मन रसायनज्ञ थे, वुल्फगांग डोबेराइनर। ठीक है, तो वुल्फगांग डोबेराइनर ने जो सिद्धांत दिया था वो था ट्रायड का सिद्धांत। ठीक है, तो वुल्फगांग ट्रायड या डोबेराइनर ट्रायड आप इसे कहते हैं। ठीक है, यानी डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर अरेंज अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड कॉल्ड इट अ ट्रायड। ठीक है, डोबेराइनर ने क्या किया था? उन्होंने अरेंज अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन तत्वों को एक साथ ग्रुप में अरेंज किया विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा कि जो ये तीनों तत्व हैं इनके जो प्रॉपर्टीज हैं यानी गुण हैं वो कैसे हैं, समान है या लगभग समान है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड कॉल्ड इट अ ट्रायड। ठीक है, उन्होंने ले लिए तीन तत्व, सिंपल सी बात है, और तीनों तत्वों को एक ही समूह में रखा और क्या कहा कि ये तीनों जो हैं इनका जो मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे यहाँ पर लिथियम लिया उन्होंने एक 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 ग्रुप में और लिथियम के साथ क्या क्या रखा, सोडियम रखा और पोटेशियम रखा। ठीक है, तो क्या देखा गया, लिथियम के बाद सोडियम रखा और सोडियम के बाद पोटेशियम रखा। तो जब उनके एटॉमिक मास की तुलना की गई तो एटॉमिक मास कैसा था, लिथियम का 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ठीक है, तो ये क्या था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था यानी कि परमाणु के द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम था। ठीक है, ये उन्होंने कहा, ही शोड दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। उन्होंने क्या कहा कि अच्छा, तीन उन्होंने तत्व ले लिए एक साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि डोबेराइनर ने ये ट्रायड का सिद्धांत दिया था 1817 के आसपास। ठीक है, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। फिर आप बताएंगे कि ट्रायड में है क्या, ट्रायड में ट्रायड त्रिक जिसे कहा जा रहा है, त्रिक मीन्स तीन, तो यानी कि तीन तत्वों को उन्होंने एक साथ रखा और किसमें रखा, समूह में रखा, और समूह में किस प्रकार रखा, उनके एटॉमिक मास के, किसके एटॉमिक मास के, यानी कि जो उनका परमाणु का द्रव्यमान है उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा तीनों को। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इन तीनों में से जो दो, पहला और तीसरा जो तत्व है, उन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं, मध्य निकालते हैं, तो वो कितना होगा, वो बीच वाला जो तत्व है लगभग उसके बराबर होगा। समझ रहे हैं, ये रिलेशन बताए, यानी कि अगर आपका लिथियम है समूह में, उसके बाद सोडियम है और उसके बाद पोटेशियम है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो लिथियम का आपका क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है, सपोज वो एक्स है, और पोटेशियम का क्या है, जेड है, सोडियम का है आपका वाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा बीच में जो आपका तत्व आएगा समूह में उसका जो एटॉमिक मास होगा यानी कि वाई, वो इक्वल होगा किसके, लिथियम के और पोटेशियम के जो एटॉमिक मास है, एक्स प्लस जेड अपॉन टू के। ये उन्होंने सिद्धांत बताया, नियम बताया इसके लिए कि ये रिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बट डोबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली द फॉलोइंग थ्री ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। लेकिन जितने तत्व यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, नाइन दिख रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ट्रायड में, सेकेंड में आपका था कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, और थर्ड में था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो
डोबे राइनर ने उस टाइम जितने भी तत्व खोजे गए थे, ठीक है, जितने भी तत्व तभी तक ज्ञात थे, उनमें से सिर्फ इतने ही तत्वों में वो क्या दिखा पाए, क्लासिफाई इनको कर पाए थे, ठीक है। इनसे आगे वो और तत्वों की क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि आगे के तत्वों में अब सभी के लिए ये तत्व, सभी के लिए ये जो रूल उन्होंने बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन टू, यानी कि बीच का जो तत्व आएगा वो पहले और तीसरे तत्वों के जो एटॉमिक मास हैं उनका जो आप औसत निकालोगे या माध्य निकालोगे उसके बराबर होगा। कौन सा? जो बीच का आपका तत्व है उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये सभी तत्वों पे लागू नहीं हुआ उस समय पे, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएंगी। अभी आप इसको समझेंगे, मेनली 3 पॉइंट आएंगे। पहला, एटॉमिक मास का बढ़ता हुआ क्रम लिया था और समूह में केवल 3 ही तत्वों को रखा था, ठीक है। और लास्ट जो मेन है वो क्या है कि पहले और तीसरे के एटॉमिक मास का माध्य जो था, औसत जो था, वो बीच का जो तत्व है उसके एटॉमिक मास के बराबर था, ये उन्होंने कहा, ठीक है। अपनी क्लासिफिकेशन या अपनी वर्गीकरण का आधार उन्होंने इन पॉइंट्स को रखा और उसके आधार पर उन्होंने तत्वों को क्लासिफाई किया। चलिए नोट करेंगे, डोबे राइनर के त्रिक। तो 1817 में वुल्फगांग डोबे राइनर ने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को त्रिक बताया, ठीक है। नियमानुसार अगर त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होगा, ठीक है। लगभग औसत बोला उन्होंने, क्योंकि पॉइंट्स में ऊपर नीचे आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। देन सीमा क्या थी, अब लिमिटेशंस क्या हुई, मतलब ये मान्य क्यों नहीं हुआ, यह पद्धति सफल नहीं रही क्योंकि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। यानी उससे आगे वो अन्य तत्वों के ट्रायड नहीं बना पाए, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, इस पॉइंट के अनुसार अब हम देखते हैं लिथियम जिसका परमाणु का द्रव्यमान क्या था, 6.9, ठीक है। इसके बाद सोडियम, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, ओके। और पोटेशियम का है 39। तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यानी सोडियम का परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होगा, बराबर होगा लिथियम प्लस पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान के औसत के, यानी बटे दो, ठीक है। ये होगा तो लिथियम का कितना है, लिथियम का है 6.9, इसमें प्लस करेंगे 39, ठीक है। 39 किसका है, 39 है पोटेशियम का, और डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 23 आएगा, जो कि किसका है, जो कि आपके सोडियम का है। फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन अपॉन टू, 22.95, ठीक है। तो सोडियम का, Na का परमाणु द्रव्यमान वो कितना आया आप बच्चे, वो आया 22.95 आया, ठीक है। हमारे पास कितना है, 23 है। तो क्या कहा गया, अप्रोक्स आएगा, यानी कि लगभग लगभग, ये देखो लगभग बराबर है ना, तो इस तरीके से लगभग औसत होगा। ये उन्होंने क्या बताया, ये उन्होंने रिलेशन बताया, ये हो गया डोबे राइनर का त्रिक। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। तो डोबे राइनर के प्रयासों के बाद जब डोबे राइनर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी तो अन्य वैज्ञानिकों को भी क्या हुआ, उनको भी क्या करना था, उनको भी क्लासिफिकेशन देनी थी अब एलिमेंट से रिलेटेड,
ठीक है, सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे, तो जिन लोगों का प्रयास थोड़ा अच्छा रहा या फिर जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर पाए अपने प्रयासों को, तो उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो यानी डोबे लाइनर का ट्रिक तो क्या हो गया वहां पर, उसकी लिमिटेशन आ गई तो वो फेल हो गया। अब फिर उसके बाद जब उनका लॉ वहां पर फेल हो जाता है, तो फिर क्योंकि वो पूरी तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाए ना एलिमेंट्स को, अब एक्सेप्शन तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहोगे, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे हर जगह पे आपको लगभग, सामान्यतः, अधिकतर ऐसे वर्ड आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, सभी के लिए सारे लॉ नहीं बनते, उन लॉ में से एक तो कोई होगा जो बच के निकल जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने डोबे लाइनर का ट्रिक पढ़ा, जब उसमें डोबे लाइनर के ट्रिक में क्या आ गए कि तीन से आगे समूह नहीं बन पाए, तीन ही ट्रायड बन पाए, उसके आगे एलिमेंट्स क्लासिफाई नहीं कर पाए वो, तो फिर न्यूलैंड ने लॉ दिया जो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव था। ठीक है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट आर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो क्या कहा गया, ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब है एट्थ, अष्टक सिद्धांत। ठीक है, अर्थक अष्टक सिद्धांत में आठ की बात हो रही है, आठ। तो उन्होंने क्या कहा, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी कि जब हम क्या करेंगे, सभी जो तत्व हैं उनको उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट्स, यानी कि जो अगर हम एक से तत्वों को लिखना शुरू करेंगे, एक से लिखने से क्या तात्पर्य है, जैसे हम रोल नंबर लगाते हैं बच्चों के, ठीक है, तो वन से स्टार्ट करते हैं, वन ए वाले जो नाम होते हैं उनका वन से आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, ए बी सी डी इस तरीके से, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट्थ जो होगा, आठवें नंबर का रोल नंबर जिसका था या आठवें नंबर का जो तत्व आएगा, उसके जो फिजिकल यानी कि भौतिक गुण होंगे और रासायनिक गुण होंगे वो किसके समान होंगे, फर्स्ट वाले के समान होंगे। समझ रहे हैं, तो यानी सात तत्वों को रखा गया, आठवें को फिर कहाँ रखा गया, फर्स्ट के साथ रखा गया, तो यही क्या था, अष्टक सिद्धांत था न्यूलैंड का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार से सारे गामा पा की जो धुन होती है उसमें सातवें के बाद आठवां जो लेटर होता है वो फिर से सा ही आता है। ठीक है ना, सारे गामा पा धानी और साई आता है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आठवां लेटर जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि आठवां जो आपका क्या होगा, आठवां जो आपका एलिमेंट होगा वो फिर से फर्स्ट वाले की तरह ही क्या दिखाएगा, गुण दिखाएगा, इसीलिए उसको फर्स्ट के ही साथ रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये है फर्स्ट, पहला तत्व ये है हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, तीसरा बेरिलियम, चौथा है बोरोन, पांचवा है कार्बन, छठवां है आपका नाइट्रोजन, सातवां है यहाँ पर ऑक्सीजन, और आठवां आपका फ्लोरीन आता है, तो ये आठवें को फिर से फर्स्ट के साथ रखा। ठीक है, इसके बाद लिथियम, अगर लिथियम को फर्स्ट मान लो तो फिर आठवां ये वाला हो जाएगा, तो लिथियम के साथ सोडियम। तो इस तरीके से पहले और आठवें तत्व के बीच में क्या देख रहे हैं, आपको गुणों में समानता दिखने को मिल रही है, तो इसीलिए उनको एक साथ रखा गया। तो इस तरीके से आपके बन गए सात समूह, सात ही समूह तो बन रहे, क्योंकि आठवां वाला तो फिर रिपीट कर रहा है ना, वो फर्स्ट में जा रहा है, तो इस तरीके से एक समूह ये बना, इनके गुण समान, इनके गुण समान, इनके गुण समान, इस समूह के समान, इस समूह के समान, इस समूह के सारे गुण समान, इस समूह के सारे गुण समान। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप में जो तत्व रखे गए उनके जो गुण थे उनमें समानता देखने को मिली। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फिर इसमें आगे, अभी हम और पढ़ेंगे और क्या क्या। तो बच्चों आज के सेशन में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया जो कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, और यहाँ पर हमने वर्गीकरण के बारे में समझा कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है तत्वों का, और फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन में सबसे पहले कौन सा आपका क्लासिफिकेशन आता है, तो वो डोबे लाइनर का ट्रायड आता है, उसको अच्छे से समझने के बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेव
प्रिंसिपल देखा, यानी जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है उसको समझा, ठीक है। आगे आने वाले सेशन में और अच्छे से न्यूलैंड के ऑक्टेव प्रिंसिपल को समझेंगे, उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे और कुछ साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तब तक आपको अच्छे से पढ़ाई को करते रहना है, चैप्टर को रिवाइज करना है, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।